सलमान खान बॉलीवुड के उन सितारों में से एक हैं जो अक्सर किसी न किसी वजह से विवादों में आ जाते हैं। काला हिरण मामले की वजह से सलमान खान अब भी लोगों के गुस्से का सामना कर रहे हैं। काला हिरण केस के चलते विश्नोई समाज के लोग सलमान खान से खफा है। बीते कुछ समय में कई बार सलमान खान को जान से मारने की धमकी भी दी जा चुकी है। ऐसे में मुंबई पुलिस ने सलमान खान की सिक्योरिटी को बढ़ा दिया। इस बीच सलमान खान को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। मीडिया रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि 30 अप्रैल के दिन सलमान खान को जान से मार दिया जाएगा। कुछ समय पहले ही सलमान खान के पास एक धमकी भरा फोन कॉल आया है। बताया जा रहा है कि इस फोन कॉल के तार जोधपुर से जुड़े हुए हैं। फोन पर एक आदमी ने सलमान खान को धमकी दी कि वो 30 अप्रैल के दिन सलमान खान पर हमला करेगा। बताया जा रहा है कि सलमान खान को धमकी देने वाले शख्स का नाम रॉकी भाई है। ये शख्स जोधपुर का रहने वाला है। ये आदमी गौ रक्षक समाज से जुड़ा है, जो कि राजस्थान में गाय की रक्षा करने का जिम्मा उठा रहे हैं। रॉकी भाई के धमकी देते ही मुंबई पुलिस में खलबली मच गई। वहीं सलमान के फैंस एक बार फिर से परेशान हो गए हैं।